हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो ग्रेड अप का आपका फ्री मॉक गिवन है आईबीपीएस पीओ प्री का, उसमें जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अपकमिंग डेज में कंप्लीट होते जाएंगे। उससे पहले आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है फ्री मॉक के लिए जो कि ग्रेड अप का है, उसको जाके आप एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को एक बार चेक करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोर बेस्ड पजल से। एंड इसमें आपका फ्लोर बेस्ड है, 9 फ्लोर है प्लस इसमें वेरिएबल गिवन है। तो जो आपका प्री होता है उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एकदम मॉडरेट नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी होते हैं। आसान क्वेश्चन को भी आपको करने में समय लग जाता है कभी कभी, क्योंकि आप क्या करते हैं कभी कभी उसके इंस्ट्रक्शन गलत पढ़ते हैं या कभी कभी आप उसकी लैंग्वेज को गलत समझ लेते हैं। तब अपनी जो प्रैक्टिस है वो हमेशा हार्ड पर ही लेकर मत चलिए, आप इजी लैंग्वेज पर भी लेकर चलिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहे। प्री में सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपकी कॉन्फिडेंस को लेकर होती है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरी पजल में बहुत अच्छी कमांड है एंड मैं इसको कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप बहुत ही इजीली उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे भी और बहुत ही अच्छे से कर भी जाएंगे। तो मेन है आपका कॉन्फिडेंस। सिर्फ जो रीजनिंग है वो एक ही चीज पर बेस्ड है जो कि है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन बने, जैसा भी क्वेश्चन मिले, आप उसको करिए। आप ये मत देखिए ये तो बहुत इजी है, ये तो 1 मिनट में हो गया, ये तो बहुत इजी है, ये 2 मिनट में हो गया, ये तो बहुत हार्ड है, ये 4 मिनट में हुआ। आप उसको करिए और बस अपने अंदर ये देखिए कि मैंने पहले इसे 2 मिनट में करा था, अब मुझे इसे 1.5 मिनट में कंप्लीट करना है, राइट? आप अपने टाइमिंग को घटाते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है आपका हिंदी लैंग्वेज। जब आप फ्री मॉक देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी पर्सन हिंदी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं आप अपना क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश में करते हैं वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड यहाँ पे है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 9 पर्सन हैं, उनके नेम गिवन है जो कि है ए बी सी डी ई एफ जी एच एन जे। ओके, एंड ये एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें आपके फ्लोर गिविन होंगे। आगे यही कह रहे हैं कि द बिल्डिंग हैज 9 फ्लोर, कि उनके जो मतलब वो जो बिल्डिंग है उसमें 9 फ्लोर है और खाली एक पर्सन जो है वो आपका एक फ्लोर पे रहता है। उसके बाद गिवन है ऑल ऑफ देम ओन 1 कार ईच एंड ईच कार इज ऑफ डिफरेंट कलर, दैट इज ब्लू, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड पिंक। ओके, उसके बाद हम लोग यहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एच ओन्स अ ब्लैक कलर कार एंड स्टेज ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो एच कैसी है? एच की ब्लैक कलर की कार है और वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, राइट? तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं ए स्टेज ऑन एनी इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एच स्टे, और एच जो है उसके नीचे की तरफ कोई भी जो इवन नंबर होगा उस पे ए रहता है। देखो प्री में आपको क्या करना है, मेंस में आप अपने पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हो, आपके पास समय होता है। प्री में आपके पास इतना समय नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पॉसिबिलिटी को बनाओ, आप पॉइंट्स को इकट्ठा मत करो, उसके बाद पॉइंट्स को कनेक्ट मत करो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं अब, राइट? तो आप जितनी आपसे पॉसिबिलिटी बनती जा रही है आप उतनी पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट के संग वो पॉसिबिलिटी जो है बहुत जल्दी आपसे कट हो दी जाएंगी। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को इकट्ठा करोगे और फिर उसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन भी और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है? तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी पॉसिबिलिटीज को बनाते जाइए। अब यहाँ पे हम लोग एक बार 9 फ्लोर जो है उनको लिख लेते हैं कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब जैसे कि मैंने ये बोला कि आप पॉसिबिलिटी बनाते जाइए, तो अब आप ये देखेंगे कि H को इवन मिलेगा, तो H को जब इवन मिलेगा तो H को 2, 4, 6, 8 ये सारे ही नंबर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना। तो इस जगह पे आपको रुकना है, ऐसा नहीं है कि अगर 6 पॉसिबिलिटी बननी है तो आप 6 बनाते जा रहे हैं, 4 बन रही है 4 बनाते जा रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, दैट्स ओके। अगर लगता है आपको इससे ज्यादा बन रही है तो आप रुक जाइए, आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो खुद से खुद इरेज हो जाएंगी। तो अभी हम रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द वन हु ओन्स एन ऑरेंज कलर कार स्टेज ऑन द 4th फ्लोर। तो वो पर्सन जिसको ऑरेंज कलर की कार पसंद है वो आपका 4th फ्लोर पे रहता है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऑरेंज। ओके, देन
फिर गिवन है ई स्टेज ऑन सेकेंड फ्लोर, तो ई जो है वो सेकेंड फ्लोर पर आएगा एंड ओन्स अ वाइट कलर कार, और उसको वाइट कलर की कार पसंद है. सॉरी, सेकेंड फ्लोर, राइट. अब देखो आपकी पॉसिबिलिटी कट गई एच ब्लैक को लेके, दो की भी और चार की भी, या तो एच छह पे या फिर आठ पे. तो अभी हम और रुकेंगे, मे बी हमें छह और आठ की भी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है उसको कट करने के लिए कोई हिंट मिल सकती है. आगे देखते हैं, द वन हु ओन्स अ पिंक कलर कार स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर, तो पिंक को हम थर्ड फ्लोर पे लिख देंगे. देन ए डज नॉट ओन अ ग्रीन कलर कार, तो ए को कौन सी कार नहीं मिलेगी, ए को ग्रीन कलर की कार जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी. देन आगे गिवन है, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द पीपल ओइंग द रेड एंड ब्लैक कलर कार स्टे, तो यहाँ पे आपके दो कार का गैप आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि दो फ्लोर का गैप आएगा. ओके, तो रेड एंड ब्लैक के बीच में आप दो का गैप देंगे. अब आप देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड हमने कोई पॉइंट जो है वो पहले पढ़ा है या नहीं. जैसे कि हमने ब्लैक से रिलेटेड पॉइंट अभी हमने पढ़ा है कि ब्लैक इवन पर आएगा, तो इससे हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके अभी हम यहीं पे अपने क्वेश्चन को रोक के इसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं. जितना आप सेट करते हुए चलेंगे उतना ही आपका जो पजल है वो खुद में खुद सुलझता जाएगा. तो आप देखो यहाँ पे जो ब्लैक है वो कहाँ लिख सकते हो, सिक्स पे लिखते हो तो वन एंड टू का गैप करके रेड आपका नाइन पे आ सकता है, एंड ब्लैक अगर आठ पे लिखते हो तो वन एंड टू का गैप करके आपका जो रेड है वो फिफ्थ फ्लोर पे आ सकता है. तो अगेन अभी आपकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है. तो अभी हम फिर स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं सी ओन्स अ ग्रे कलर कार, सी को ग्रे कलर की कार मिलेगी, तो इसको हम लिख लेते हैं. ओके, देन आगे देयर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड जी स्टे, तो सी एंड जी के बीच में आपके तीन फ्लोर आएंगे, बट यहाँ पे जी एंड सी की पोजीशन कंफर्म नहीं है, कोई भी ऊपर हो सकता है एंड कोई भी नीचे हो सकता है. देन डी स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव जे फ्लोर, तो जे के तुरंत ऊपर जो है वो क्या आएगा, आपका डी आएगा. देन आगे गिवन है देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड जी स्टे, तो एफ एंड जी के बीच में आपका एक का गैप आएगा, अगेन हमें इनकी पोजीशन नहीं पता है कि एफ ऊपर या फिर जी नीचे. देन एफ डज नॉट ओन अ पिंक कलर कार, तो एफ के पास क्या नहीं होगी, पिंक कलर की कार नहीं होगी, तो इसको भी हम लिख लेंगे. या तो हम यहाँ पे पिंक लिख के इसे कट कर सकते हैं, और अगर आप इसे और अच्छे से मतलब इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सीधा सीधा तरीका है कि आपका पिंक जो है वो फिक्स है, तो आप एफ को थर्ड नंबर पे लिख के कट करिए. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये पिंक पे नहीं आएगा या फिर ये थर्ड पर भी नहीं आएगा, बिकॉज हमारा पिंक फिक्स है. देन आगे गिवन है द वन हु ओन्स द ब्लू कलर कार स्टेज ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो ब्लू कलर की कार जो है वो टॉप पर आएगी. अब देखो भले ही हमारी एक लाइन बची है, लेकिन अभी हम लोग इसको रोक देते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि देखो हमें अभी एक पॉइंट मिला था रेड ब्लैक को लेके, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ब्लैक को जब हम सिक्स पे दे रहे थे तो रेड हमारा नाइन पे आ रहा था, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमारी कट हो गई. यानी कि अब हम ब्लैक को यहाँ दे सकते हैं एंड दो का गैप करके हम रेड को यहाँ दे सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो रेड ब्लैक यहाँ से हटा देंगे, और ब्लैक क्या है, ब्लैक यानी कि यहाँ पे एच है, तो एच को यहाँ से लिख देंगे. और अभी हम इसे कट नहीं करेंगे बिकॉज एच के नीचे इवन नंबर पे क्या आएगा, आपका ए आएगा, राइट. आगे देखते हैं, तो गिवन है एफ डज नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एफ जो है वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, यानी कि एफ जो है वो आपका वन नंबर पे नहीं आएगा. अब देखते हैं जो भी कनेक्टेड पॉइंट है उनको लेके, तो डी एंड जे साथ साथ आएंगे, तो अभी यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है, तो अभी इसे स्किप करते हैं. सी को ग्रे मिलेगा, तो सी को जब ग्रे मिलेगा तो सी ग्रे जो है वो आपका सात छः और एक तीनों में आ सकता है. चलो देखते हैं इसको हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं. अगर सी ग्रे को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, तो सी ग्रे को जब मैंने यहाँ पे लिखा तो एक सी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि सी और जी के बीच में तीन का गैप आएगा, सो वन टू थ्री का गैप करके जी यहाँ पर आ जाएगा. ओके, इसी के संग आप देखोगे यहाँ पे ब्लू ब्लैक एच रेड ऑरेंज पिंक वाइट. ओके, यही था ना. अब यहाँ पे आप कहाँ लिख सकते हो, सी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन वन टू थ्री का गैप करके आप जी यहाँ नहीं लिख सकते हो, लेकिन सी आप यहाँ लिख सकते हो, ग्रे यहाँ आ जाएगा, वन टू थ्री का गैप करके जी आपका यहाँ पर आ जाएगा. तो ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी आपकी, सिर्फ एक ये वाली और एक ये वाली सी ग्रे से रिलेटेड. तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं. देन एफ एंड जी के बीच में एक का गैप आएगा, एफ को पिंक नहीं मिलेगा एंड एफ फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा. तो इन फर्स्ट डायग्राम आप देखो, अगर एक फ्लोर का गैप दोगे तो एफ को पिंक मिलना चाहिए बट नहीं मिल सकता, राइट. तो यानी कि आपका एफ ऊपर की तरफ आएगा नंबर सेवन पे. सेकंड फ्लोर में आप देखोगे, सॉरी सेकंड डायग्राम में आप देखोगे तो एफ जो है वो आपका कहाँ आएगा, नंबर वन पे आएगा, बट नहीं आ सकता बिकॉज इसको फर्स्ट फ्लोर मना करा गया है. इसका मतलब एफ को हम रेड देंगे. इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो. देन आप देखो डी एंड जे को फिक्स करो क्योंकि ये दोनों साथ साथ आएंगे, तो डी यहाँ पर
और जे यहाँ पर इस कंडीशन में डी एंड जे के लिए आपके पास कोई भी दो पोजीशन जो है वो खाली नहीं है एक साथ, इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हटा देंगे। फिर ए जो है वो इवन पर आएगा एच ब्लैक के नीचे, तो सिर्फ एक ही जगह बची है जो कि है सिक्स नंबर, उसको लिख देंगे। एंड ए को हम ग्रीन नहीं देंगे, इसका मतलब ग्रीन हम किसको देंगे, यहाँ पे एफ को देंगे। एंड जो डेस्ट आपका कलर बचेगा दैट इज येलो, तो येलो आ जाएगा यहाँ पे ए को। लेट मी चेक, आई थिंक ये येलो ही है, यस तो येलो आ जाएगा आपका ए को। एंड यहाँ पे जो आपका एक पर्सन बचा है जो कि है बी, तो बी आ जाएगा सबसे टॉप पे। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। मैंने ये क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ 8 मिनट में, 8.5 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। तो अगर मैंने आपको एक्सप्लेन इतने टाइम में करा है तो आप समझ लीजिए आप 3 से 4 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने टाइम में करा है इसे सॉल्व। ओके चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इसके जो क्वेश्चंस हैं उन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कार ऑफ द पर्सन हु स्टेज ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे रहने वाले पर्सन की कलर की कार जो है वो किस कलर की है, तो वो है ग्रीन कलर की। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो एक की कलर, एक ही जो कार है वो रेड कलर की है, तो देख लो एक ही कार तो येलो कलर की है, तो यानी कि फर्स्ट नहीं होगा। एच 6 पे है तो एच 8 पे है, ये भी नहीं होगा। बी टॉप पे है तो यस बी टॉप पर है, यानी कि आपका थर्ड होगा करेक्ट आंसर, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। देन जे किस फ्लोर पे रहता है, तो जे 3rd फ्लोर पे रहता है, ऑप्शन नंबर ए। देन हु ओन्स द ऑरेंज कलर कार, ऑरेंज कलर कार किसकी है, तो वो है डी की, तो ऑप्शन नंबर 4। एंड फिर गिवन है कि आपका 6 एंड 4 के बीच में कौन है, तो 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, इसके बीच में है 5G रेड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीस। ओके ओके तो मूव करते हैं नेक्स्ट पजल पे जो कि है आपकी लीनियर पजल। यहाँ पे है आपका हिंदी में, हिंदी में जो ये गिवन है आपका, जैसे कि पंक्ति लिखा है, सदस्य लिखा है, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो आ जाती है हिंदी टाइपिंग में, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ओके ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आप पढ़ ना पाए, आप समझ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में गिवन है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 12 पर्सन हैं जो कि आपके 2 रो में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी अभी जो RRB का PO हुआ था उसके मेंस में भी एक रो बेस्ड क्वेश्चन आया था, एंड उस रो बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसकी बस मतलब ऐसी ही आपके 10 पर्सन बैठे थे, 5 नॉर्थ 5 साउथ करके, एंड उनको उनका जो वेरिएबल था वो भी कलर से रिलेटेड था कि आपको कलर्स में उन्हें फिक्स करना था, तो काफ़ी ईजी था। लेकिन उसकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी घुमा रखी थी कि आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप जो अपनी प्रैक्टिस है इस पर भी करते चलिए, ऐसा मत समझिए कि ये ओल्ड पैटर्न है तो ये नहीं आएगा, जब मेंस में आ रहा है तो प्री में तो बिल्कुल आएगा। ओके तो आप इस पर थोड़ी सी अपनी कमांड बनाकर चलिए। सॉल्व तो सभी कर लेंगे, लेकिन आप जो है अपने टाइमिंग को देखिए कि आप दूसरे, अगर दूसरे 4 मिनट में क्वेश्चन कर रहा है तो आपको 2.5 मिनट में क्वेश्चन करना चाहिए। अपनी कमांड को आपको ऐसा बनाना है, अपनी स्पीड को ऐसा बनाना है, राइट। चलिए यहाँ पे गिवन है कि आपके 12 पर्सन हैं जो कि आपके 2 रो में बैठे हैं, 6 पीपल ईच में है। एंड रो 1 जो है उसमें आपके PQRST and V बैठेंगे जो कि साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, एंड ABCDEF जो है वो आपका नॉर्थ की ओर फेस करेंगे। उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। ओके उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे ABCDEF। ओके लेट मी चेक, यस। एंड साउथ की ओर फेस करेंगे PQRST and V। ओके इट्स वी। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें 12 पर्सन के लिए अरेंजमेंट बनाना है, तो हम बना लेते हैं 6 ऊपर और 6 नीचे कुछ इस तरीके से। 2 डायग्राम आप जरूर बनाकर चलिए क्योंकि आपकी 2 पॉसिबिलिटी तो मिनिमम बनती ही बनती हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि S जो है वो 3rd टू द राइट है क्यू के, तो S 3rd टू द राइट है क्यू के, और उसके बाद कह रहे हैं या तो S या फिर क्यू जो है वो एक्सट्रीम एंड पर आएगा लाइन के। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ये नॉर्थ की ओर फेस करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे कि सॉरी ये साउथ की ओर फेस करेंगे, PQRST साउथ लिखा है, तो यहाँ पे या तो S एंड पर आएगा या क्यू एंड पर आएगा, और उसके बाद S जो है वो 3rd टू द राइट है क्यू के। तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें S आपका यहाँ पर आ जाएगा तो क्यू यहाँ पर आएगा, इसमें S एक्सट्रीम एंड पे हो गया, दूसरे में हम क्यू को एक्सट्रीम एंड पे बैठा लेंगे तो 1, 2, 3 S यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सिर्फ ये 2 डायग्राम बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देन द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो वो पर्सन जो कि क्यू को फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट है ई के। ओके तो यहाँ पे ये पर्सन बैठेगा जो कि क्यू को फेस कर रहा है, सेकंड टू द राइट आएगा ई के।
देन टू पर्सन आएंगे बी और एफ के बीच में, तो बी एंड एफ के बीच में दो पर्सन आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको खाली लिख लो और आगे पढ़ो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बी और एफ जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएंगे। तो अगर बी और एफ जो है वो अगर एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएंगे तो आप देखोगे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें अगर आप बी को यहाँ लिखते हो तो वन टू का गैप करके आपको एफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आपको बी और एफ में से किसी भी किसी को भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं देना है। और इसके अलावा कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, अगर आप बी यहाँ लिखते हो तब आपका एफ यहाँ पर आएगा, मतलब एफ बीच में आएगा तो बी आपका एंड में हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये डायग्राम है ये रॉन्ग है, आंसर आपका इसमें आएगा। अब बी और एफ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो यानी कि बी जो है अगर यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर, और अगर एफ जो है वो यहाँ पर आएगा तो बी यहाँ पर। ओके, देन आगे गिवन है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो इमीडिएट नेबर जो है वो बी के, वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट में आएंगे। तो आप देखो अगर मान लो बी यहां पर है, अगर बी यहां पर है तो बी के जो इमीडिएट नेबर है यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कोई एक जो है वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा। तो अगर पी के थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा तो पी कहाँ होना चाहिए, इस साइड में कहीं पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इतनी सीट्स है नहीं कि हम थर्ड टू द लेफ्ट में आपका ये वाला पर्सन और इन वाले पर्सन को लेके आ सके, राइट। इसका मतलब जो है वो बी यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या बैठेगा आपका एफ और बी आएगा यहां पे। अब बी यहां पर आएगा या तो ये पी के थर्ड टू द लेफ्ट में होगा या फिर ये वाला पर्सन पी के थर्ड टू द लेफ्ट में होगा। अगर मान लो क्यू जो है वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा तो पी कहां पर आएगा, पी यहां पर आना चाहिए, तभी वन टू थ्री क्यू थर्ड टू द लेफ्ट में आ सकता है। लेकिन यहां पे क्या फिक्स है, आपका एस फिक्स है, इसका मतलब जो ये वाला पर्सन है जो ई के सामने बैठा है वो थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा पी के। तो आपका कैसे आएगा यहाँ पे, पी यहां पर आएगा वन टू थ्री, ये आएगा आप इसके थर्ड टू द लेफ्ट में। ओके, देन आगे कह रहे हैं आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर, आर और टी जो है वो आपका इमीडिएट नेबर है। ओके, तो वैसे तो आप लिख भी सकते हो अलग, और लेकिन अगर आप फिक्स करना चाहो तो आप फिक्स भी कर सकते हो, आर और टी में से कोई एक पर्सन जो है वो इन जगह पे आएगा, सिर्फ ये दो पोजिशन है ये आर एंड टी के लिए फिक्स है। उसके बाद वी यहां पर आ जाएगा बिकॉज ये खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है वो पूरा फिक्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है ए के, तो ऑब्वियसली आपका ए यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा, बिकॉज अगर आप ए यहाँ लिखते हैं तो सी जो है वो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए सेकंड टू द लेफ्ट। आगे टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, टी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं, सॉरी टी जो है वो फेस नहीं करेगा डी के इमीडिएट नेबर को, तो डी कहां पर आएगा, डी हमारा यहां पर आएगा, बिकॉज यहां पे आप देखोगे सिर्फ एक ही कंडीशन बची है और डी का नेबर है यहां पे बी, और बी को क्या नहीं फेस करेगा आपका टी, तो टी जब इस यहां पे नहीं आएगा तो यहां पे क्या आएगा आपका आर, और यहां पे क्या आएगा आपका टी। ओके, तो ये हो जाएगा आर टी क्यू एस वी पी एंड यहां पे हो जाएगा सी एफ ए ई बी एन डी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। तो आप देखोगे आई थिंक मैंने इसे 5 मिनट में सॉल्व करा है, तो आप करीबन इसको 1.5 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलोगे। बस इसमें लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं उनके लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसे क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये डायग्राम आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप इसका जो आंसर है वो दीजिए। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप लोग मुझे देंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफी लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर गलत देते हैं, तो वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं होता, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हेयर, यहाँ पे गिवन है कि आपका ग्रुप बन रहा है, इन 5 ऑप्शन में से 4 का ग्रुप बनेगा और एक जो है वो ऑड है, तो आपको बताना है ऑड कौन सा है। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे एंड बताएंगे कि जो फर्स्ट 2 एंड 3, ओके 1, 2 एंड 3, इन तीनों का जो आंसर है वो क्या क्या होगा। इसी के संग हम लोग अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं एंड आज हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। एंड आप लोग जो फ्री मॉक है उसे जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। प्लस एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जो ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज़ है उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे जाके आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को परचेस करते हैं। सो काफ़ी अच्छा ऑफर है ये, आप जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन आपको पूरा गिवन होगा एंड यहाँ पर फिर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग जाइए अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए और अटेम्प्ट को मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।